और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में। तो दोस्तों, एनएससी और बीएससी के कुछ पैनी स्टॉक बिलो 1 रुपी चेकआउट करने के बाद मैंने एक स्टॉक निकाला है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे ख्याल से, ठीक है, मुझे याद नहीं है इतना क्योंकि मैंने स्टॉक को बाय नहीं किया था। मैंने ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया था बहुत पहले शायद, ठीक है। अभी अभी स्टॉक का प्राइस 70-80 पैसे के बीच में ट्रेड कर रहा है और 20 पैसे का स्टॉक ने लो लगाया है और 7 रुपये का इसका स्टॉक का हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट मतलब हाई लगाया है इसने। लेकिन स्टॉक के चार्ट पैटर्न में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि स्टॉक लगातार 2 साल से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और हायर हाई इसका पैटर्न बना रहा है। मतलब खोने के लिए स्टॉक में कुछ भी नहीं है। अगर मात्र 100 रुपये आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे तो क्या पता आपका 100 रुपये 1000 रुपये हो जाए। बहुत लोग मुझे कहेंगे, सर 100 रुपये से तो कुछ नहीं होने वाला, इतना पैसा तो हम दारू सिगरेट में उड़ा देते हैं। दोस्तों, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, जो पैसा आप दारू सिगरेट्स में उड़ा देते हो ना, वही आपको पैनी स्टॉक में डालना है, ठीक है। आपको देखना है कि आपको रिटर्न मिलती है नहीं मिलती। और अगर आपको एक बार पैनी स्टॉक्स में रिटर्न मिलना स्टार्ट हो गए ना मेरे भाई, मतलब मानो दारू और सिगरेट क्या है, जब एक बार नशा चढ़ता है तो आप लत लग जाती है आपको, और यही है पैनी स्टॉक की लत। अगर आपको एक बार किसी स्टॉक ने 1000-2000% का गेन दे दिया, जैसे पीएमसी फिनकॉर्प, इंडिया इंफोटेक, ट्राइडेंट, RRIL लिमिटेड, नाइसा कॉप, ठीक है, ये सभी स्टॉक जो मैंने आपको रिकमेंड किए थे, जो अच्छा खासा गेन दे रहे हैं। मैंने क्या रिकमेंड किए थे ये समझ लो, हमारे चैनल मैंने बस एक जनरल व्यू दिया था, सभी अच्छा खासा गेन दे रहे। और अगर आपको गलती से कभी 1000% का गेन आ गया तो भाई एक बार लत लग गई तो समझ जाओ जो पैसा आप वहां वेस्ट करते थे, आपको जस्ट उसको एक डायरेक्शन देनी है। और डायरेक्शन दोस्तों अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली यार आपको पता है बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हो, कि वो पैसा तो कूड़े में जा रहा था और वो पैसा अब आपका कूड़े स्टॉक्स को बाय करके वेल्थ बनेगी, ठीक है। बहुत लोग बोलोगे क्या, बहुत लोग बोल रहे होंगे यार कैसी बातें कर रहा है तू पागलों वाली, पैनी स्टॉक से कोई कैसे अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर आप प्रॉपर तरीके से रिस्क प्रोफाइल मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करोगे, जो रूल मैंने आपको बतलाया है, जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 2% हिस्सा पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, तो लॉन्ग टर्म में आप डेफिनेटली वेल्थ बना सकते हो। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, अगर आप महीने के 5000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, अगले 50 सालों के अंदर, अगले 30 सालों के अंदर आपके पास 100 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़ रुपए होगा। आपने ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे ना बॉस, सुने हैं ना। तो यही मैं कह रहा हूं, उसका जो 5000 रुपए महीना म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, उसका 2 या 5% हिस्सा जो निकल के आता है 300-400 रुपए के बीच में, वो आपको डालना है पैनी स्टॉक्स में। पैनी स्टॉक मतलब बिलो 1 रुपी, 2 रुपए के स्टॉक, 3 रुपए के स्टॉक, इन पे डालना है, समझ गए। और देखो फिर आपको कितनी बड़ी वेल्थ ये बना के देता है अगले 50 सालों के अंदर। अब आप बोलेंगे सर वहां तो बोलते, वहां पर भी एक छोटा सा नीचे लाइन लिखी होती है कि गारंटी नहीं है, ठीक है, मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है। तो भाई देखो, वहां अगर ये लिखा साफ साफ कि रिस्क इन्वॉल्व है, 5000 रुपये जो आप डाल रहे हो, तो यहाँ पर भी तो रिस्क इन्वॉल्व है ना पैनी स्टॉक में। रिस्क हर जगह इन्वॉल्व है, पैनी स्टॉक बाय करो, लार्ज कैप बाय करो, स्मॉल कैप बाय करो, मिड कैप बाय करो, रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन भाई रिस्क को लेना सीखो, रिस्क लेने का मतलब कैलकुलेटिव रिस्क लेना सीखो। देखो, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा है तो आपने बड़ा कैपिटल नहीं डाला, आपने छोटा मोटा कैपिटल डाल के रखा हुआ है। मतलब आप अगर 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो आपने 20,000 रुपये 5 वर्ष की सिप करा रखी है। तो आपको यही करना है, आपने पूरा का पूरा पैसा पैनी स्टॉक में नहीं डालना है, आपको छोटा सा हिस्सा डालना है, छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा डालना है बस। और जिन्होंने ये सीख लिया ना, वो सीख जाएंगे रियल वेल्थ कैसे बनती है पैनी स्टॉक से। आशा करता हूँ छोटा सा 3 मिनट का ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक करना, क्योंकि तो मेहनत लगती है ज्ञान बांटने में भी, ठीक है, मेरी एनर्जी लगती है। पता नहीं आप लोगों को दिखता नहीं दिखता कि मैं एनर्जी, पता नहीं आप छोड़ो यार, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टॉक का नाम दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कर देना, साथ में टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये कुछ एनएससी के पैनी स्टॉक्स है जिसको मैं चेकआउट कर रहा था। अब मुझे एक स्टॉक दिखा SPYL करके है एनएससी में, ठीक है। स्टॉक का नाम ये देख सकते हो, सिकावती पॉली यर्न लिमिटेड है, ठीक है। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है, फाइबर्स बनाती है। नीचे अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नील, मतलब आप बोल सकते हो टेक्निकल ग्लिच है, क्या है मुझे नहीं पता। मैं आपको बीएससी का दिखाता हूँ, बीएससी बहुत कम क्वांटिटी स्टॉक में ट्रेड होती है, लेकिन एनसी में स्टॉक में ट्रेड होता है, देख सकते हो 80 पैसे का स्टॉक है, राइट। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में थोड़ा सा, कि कंपनी कैसी है, कैसे हम उस पर कामकाज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है, SPYL, आपको नाम थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। आई थिंक मैंने स्टॉक बहुत पहले भी रिकमेंड किया था, पर्सनली मैंने बाय नहीं किया था भाई, तो
ठीक है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि हर स्टॉक को बाय करता जाऊं, क्योंकि मैं खुद भी लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप सब पे पैसा डालता हूं। और देखो यार दिक्कत क्या है ना, आपको पहले स्टॉक बाय करना थोड़ा बहुत तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो आपको भी थोड़ी वो समझो, मैं भी थोड़ा मेहनत करने से घबराता हूँ, घबराता हूँ मतलब लेजी हूँ, ठीक है, मैं भी कभी कभी बिट डालना भूल जाता हूँ और मुझे स्टॉक नहीं मिलता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, और ये रियल फैक्ट है, कुछ इसमें दोहराया नहीं कि मैं बोलूँ मुझे हर 5 स्टॉक मिल जाता है, अरे भाई नहीं मिलता तो नहीं मिलता, मेहनत तो करो, मेहनत करने से क्यों घबराते हो, मतलब एक बिट प्लेस करना है, अगर आप एक बिट प्लेस नहीं करना चाहते तो मत करो यार, रिटर्न नहीं मिलेगी फिर, अब रिटर्न नहीं मिलेगी तो बाद में रोना कि यार इतनी रिटर्न कैसे आ गई, इसको उसको कैसे आ गई, तो इसलिए थोड़ी मेहनत करना सीख लो भाई, है ना, आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, जीरो है सब कुछ, नीचे लेके चलता हूँ तो यहाँ भी आपको जीरो दिखेगा, ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई क्योंकि अंत में डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको पैसा लगाना ही लगाना, हमारा काम आपको गाइड देना, देख सकते हो 2 करोड़ का लॉस है, ठीक है, तो आपके सामने कंपनी के प्रॉफिट लॉस ये रहे, मैं आपको दोबारा एक बार ढंग से दिखा देता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी की सेल्स काफी अच्छी है, मतलब डाउन भी हो रही है, 8 करोड़ के आसपास की सेल्स है, 2 करोड़ का लॉस हुआ है, नीचे लेके चलता हूँ तो कंपनी लगातार आपको लॉस दे रही है, देख सकते हो, ठीक है, नीचे लेके चलता हूँ, रिजर्व नेगेटिव है और डेट कंपनी का बहुत ज्यादा है भाई, नीचे लेके चलता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 57% है, जिसमें मोस्टली जो होल्डिंग है वो प्लेज हो रखी है, मतलब गिरवी रखी हुई, इस बात को भी ध्यान रख लेना, और आप बोल सकते हो यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग और जो गिरवी होगी उसको छुड़वाई है, ठीक है, आपको पता है ना भैया जो होल्डिंग गिरवी होती है उसको छुड़वानी पड़ती है, ठीक है, तो उन्होंने छुड़वाई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा, साथ में अगर आप बात करते हैं पब्लिक की होल्डिंग तो 42% के आसपास देखने को मिल जाती है, तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है बिल्कुल कंपनी के जो प्राइस है उससे मैच हो रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं कि स्टॉक में हमें क्यों पैसा लगाना चाहिए, रीजन गिनवा देता हूँ आपको, रीजन मैं आपको दिखाता हूँ उसके चार्ट पैटर्न से, मुझे सिर्फ चार्ट पैटर्न समझ आता है भाई, पहले स्टॉक में और कुछ समझ नहीं आता, हाँ कभी कभार उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स हो जाते हैं, जैसे आपको दिखा दूं मैं एक दो कंपनीज, ठीक है, जो भाई कूड़ा कंपनी थी, कूड़ा कंपनी मतलब कूड़ा थी, देखो जैसे पीएमसी फिनकॉर्प का 30 पैसे का स्टॉक था, और ये स्टॉक मैंने आपको 35 पैसे पे 34 पैसे के आसपास रिकमेंड किया था, अभी 1.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, देख 1.86 रुपए के आसपास, रिटर्न कैलकुलेट खुद कर लो, और 3.39 रुपए का हाई लगाया है, अब कंपनी का देखो प्रॉफिट देखो, जून में कंपनी ने 46 लाख का प्रॉफिट दिया, देखो कंपनी आपको लगातार प्रॉफिट दे रही है, लेकिन इस कंपनी का जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ आपको लॉस हो रहा है, लेकिन इस कंपनी का देखो आपको प्रॉफिट दे रही है, देखो 2.5 करोड़ का प्रॉफिट, 39 लाख का प्रॉफिट, तो ऐसे कुछ पैनी स्टॉक्स भी है जो भैया प्रॉफिट देने के बावजूद भी 30 पैसे ट्रेड कर रही है, अगर वो 30 पैसे ट्रेड कर रही है आंखें बाय आंखें बंद करके बाय कर लो भाई, अगर वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, अगर 10 लाख का भी प्रॉफिट दे रही है ना क्वार्टरली बेसिस में, बाय कर लो, 100 रुपये ही लगा दो, 1000 रुपये ही लगा दो, लेकिन बाय कर लो, ठीक है, और ये जो कंपनी है इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रही है उसके बावजूद स्टॉक अच्छा क्यों लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ट पैटर्न, तो दो चीजें काम करती है, या तो फंडामेंटल के बेसिस में लगा लो या फिर चार्ट पैटर्न के बेसिस में लगा लो, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो स्टॉक अभी आपको दे रहा हूँ SPYN, वो चार्ट के बेसिस में आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉक अच्छा लग रहा है, बाकी आपकी मर्जी, आपको लगाना तो लगाओ, नहीं लगाना तो आप नीचे कमेंट कर दो कि भाई बेकार स्टॉक है, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने चार्ट पैटर्न खोला हुआ है, मैंने यहाँ पर आपका मंथली चार्ट खोला हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर रेंज बनी है, ठीक है, ये रेंज देख सकते हो, ये जो रेंज बनी है यही रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर अच्छा खासा है कि यू पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है, देख सकते हो ये रहा 100 का रजिस्ट्रेशन है 84 पैसे, अगर ये समाव अपना 84 पैसे के ऊपर क्लोज कर देता है तो डेफिनेटली स्टॉक में वो तेजी आपको देखने को मिलेगी जो शायद आपने स्टॉक में आज तक कभी नहीं देखी होगी, ठीक है, तो 84 पैसे का स्टॉक का रजिस्ट्रेशन एरिया है, डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रखो, देखो यू पैटर्न बन रहा है, डेफिनेटली स्टॉक यहाँ रजिस्ट्रेशन लेने के बाद नीचे गिर सकता है, और स्टॉक अगर एंट्री दोबारा करनी है 70 पैसे के बीच में स्टॉक को दोबारा एंट्री कर सकते हो, डेफिनेटली स्टॉक अगर आपको फ्यूचर 70 पैसे मिलता है जैकपॉट हो सकता है, बाकी रजिस्ट्रेशन 84 पैसे आता है, बाकी जो नेक्स्ट टारगेट स्टॉक है मेरे रहेंगे पर्सनली मुझे जो लगता है, तो ये जो टारगेट है 2 रुपए तक स्टॉक जा सकता है, 2 रुपए का आपका फाइनल टारगेट रखना चाहिए, फाइनल का मतलब ये नेक्स्ट T1 है, अगर 2 रुपए के ऊपर ये ऊपर क्लोज कर देता है तो भैया आसमान खुला हुआ है, ये स्टॉक अपना जो हाई है ये जो दिख रहा है आपको ये भी तोड़ सकता है, क्योंकि जब एक बार इस स्टॉक में ऑपरेटर खुल जाता है तो वो स्टॉक को 0 से उठा के 100 तक पहुंचा देता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, अगर नहीं पता आपको तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल खोल के देख लो, वहां पर आपको मैंने ऐसे बतेरे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल एक और देख लो मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो यार तुम बिलीव ही नहीं करते तो क्या करें, तुम्हें रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो स्केप DVR, ठीक है, ये स्टॉक आपको हमने यहाँ रिकमेंड किया था 1.70-1.80 रुपए के आसपास, 70 पैसे के आसपास मान लो, 1.70 रुपए, आज 10 रुपए ट्रेड कर रहा है, लगातार पंप हो रहा है, देखो जब ऑपरेटर घुसता है तो भैया यही होता है, ठीक है, रैली बनती है रैली, ठीक है, ऐसे ट्रेन जाती है शुरू करके ऊपर, और मौका भी नहीं मिलता बाय करने का, मौका कहाँ मिला था बाय करने का, यहाँ मिला था, जिसमें दम था जिन्होंने यहाँ बाय किया आज वो मजे में है, ठीक है, जिन्होंने बाय नहीं किया वो लोग यहाँ बाय कर रहे हैं, यहाँ बाय कर रहे हैं, और यहाँ बाय जो करता है वो हमेशा मरता है, अब भाई आपको अगर बेसिक नहीं पता, बेसिक वो स्टॉक मार्केट मैंने आपको बता रखा है
जब स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो तब स्टॉक को बाय करा जाता है, ना कि जब वो रेंज ब्रेकआउट कर दे तब स्टॉक को बाय करो। अगर रेंज ब्रेकआउट करना भी है ना, बाय करना है, तो छोटा मोटा गैम्बल की तरह उसको बाय करो। ऐसा नहीं कि भैया आप तो पूरा का पूरा कैपिटल लगा रहे हो उसमें, नहीं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपके साथ शेयर करना जरूरी था कि पेनीस्टॉक का पैसा बन सकता है अगर आप शर्त है कि ढंग से रिसर्च करो। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम परफेक्ट ऑन इट, मैं जस्ट परफेक्ट बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, वो प्रयास आप भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है आपको मेरे पे कि आप लोग अपना टाइम नहीं देते हो, मैं अपना टाइम देता हूँ। मतलब चार्ट के पीछे, स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस चेक करने में, प्राइस एक्शन चेकआउट करने में, ये बेसिक चीजें अगर आप कर लोगे खुद से ना, तो आपको शायद ये वीडियोस देखने की आवश्यकता ना पड़े। रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपको सीखना है मेरे से कुछ कि मैं कैसे सब चीजों को चेकआउट करता हूँ पर्सनली, अगर आपको सीखना है तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है ये वीआर स्टॉक्स करके, मुझे आप डायरेक्टली आप मैसेज कर सकती हो। हर संडे को मेरी प्राइवेट क्लास होती है, क्लास आई थिंक 24 हो चुकी है अभी और 25 होने वाली है संडे को, और वो क्लास के लिंक्स उन्हीं व्यक्ति को मिलते हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं, अपना प्यार जताते हैं कि हाँ आप चैनल से जुड़े हुए हो, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, शेयर करने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से, लाइक कमेंट करने के माध्यम से, और डायरेक्टली मुझे मैसेज करते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मैं उन्हीं को क्लास के लिंक देता हूँ, बाकी किसी को नहीं देता। ठीक है भाई, आपको दिखाता हूँ चैनल का नाम क्या है, एक बार देख लो अपनी। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेक श्योर आप फॉलो करो। ठीक है, काफी अच्छा प्यार आप लोग दे रहे हो, 3100 फॉलोअर्स हो गए, जल्दी जल्दी इसको 5000 पहुंचाओ। ठीक है, तुम्हारे भाई की चौड़ बढ़ाओ थोड़ी, है ना, 5000 हो जाएंगे तो मजा आएगा कि 5000 फॉलोअर्स, तो इसको करवाओ जल्दी से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ भी पूछना है आप पूछ लेना, मैं डेवन संडे को रिप्लाई कर दूंगा। जैसे देखो ये भाई हमारे लगातार, इनके जो क्वेश्चन, देखो यार अब ऐसा कोई आपको रिप्लाई कर सकता है कोई बंदा? देखो मैं अपना टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करूंगा, मैंने एक स्ट्रेटेजी बता रखी है बेसिक सी। ठीक है, और इन्होंने खैर सर लिखा हुआ क्या सर, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से बेसिकली, देख लो क्वेश्चन, और मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, अब क्वेश्चन इन्होंने पूछा था पहले, अब जैसे लिखा हुआ देखो, मैंने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, मैंने रिप्लाई किया, जो क्वेश्चन पूछते रिप्लाई कर दो, अगर जो जेनुअन क्वेश्चन होगा, फालतू के क्वेश्चन होंगे तो रिप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, और रिप्लाई कब करूंगा, जब संडे को मेरे पास टाइम होगा भाई। ठीक है, हर दिन मैं नहीं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा, मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, आप समझ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पहले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड।